फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईटीसी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये आईटीसी स्टॉक के अंदर बहुत सारी मल्टीपल कंफर्मेशन एक साथ पॉजिटिव की तरफ आई है। इसके अंदर इलियट वेव की एबीसी करेक्शन पैटर्न कंप्लीट होने का सिग्नल मिला है। साथों साथ उसने इलियट वेव की जो सप्लाई लाइन होती है उसको ब्रेक करके अबव सस्टेन हुआ है। उसके साथ साथ पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न भी मिला है, लेकिन चार्ट पैटर्न अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जिसके लिए हम ये स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। ब्रेकआउट होने पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर अपनी एनालिसिस मैच करके आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए मैं चार्ट पे जाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि लंबे टाइम से आईटीसी स्टॉक एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अभी दोस्तों यहाँ पर है ना एक एबीसी पैटर्न था, वो स्टॉक ने ये जो था ना ये उसका एक एबीसी पैटर्न था और उसकी एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक हो गई। तो वो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ, दोस्तों अगर आप देखो ना तो स्टॉक ने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है पैरेलल चैनल के अंदर। और साथों साथ दोस्तों, अगर आपको मैं यहाँ से जूम करके बताऊँ RSI डालकर, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्शन भी आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर देखो लोअर लोज हिट हुए यहाँ से यहाँ, और वही इधर आप देखो ना तो स्टॉक RSI ने लोअर लोज नहीं दिया, RSI का स्विंग हायर के साइड चला गया। और वो डाइवर्शन का ब्रेकआउट भी दोस्तों वो यही एरिया पे आ रहा है जहाँ स्टॉक का ब्रेकआउट आएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, कुछ दिन पहले मैंने HDFC बैंक पर एक एनालिसिस दी थी, वो सेम HDFC बैंक वाला पैटर्न है। HDFC बैंक पैटर्न एग्जैक्टली बहुत सारा कुछ सिमिलर था, उसके बाद वो रॉकेट हो गया शॉर्ट कवरिंग के अंदर। सेम यही है, HDFC बैंक भी ज़बरदस्त गिरा था, ये भी सॉलिड गिरा, फिर उसके बाद क्या हुआ था, खाली इतना फ़र्क था कि उसके गिरने में गैप डाउन थे, यहाँ पर गैप डाउन नहीं है, लेकिन ये भी गिरा। उसके बाद डाइवर्शन दिया, डाइवर्शन के बाद उसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा बनाकर फिर उसने HDFC बैंक ने अपसाइड ब्रेक करके फिर वो खट करके रॉकेट की तरह भागा है। तो वो सेम सिमिलर ही चार्ट पैटर्न आपको अगर देखना हो तो आप मेरे वीडियो में जाके HDFC बैंक का प्रीवियस के 2-3 वीडियो HDFC बैंक के आप देख सकते हो। तो वो सेम मोर और लेस वो सिमिलर पैटर्न ही बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को ध्यान से आपको एक चीज़ देखना है कि ये जो है ना यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको बहुत ही ध्यान पे आपको रखना है। और ये जो है ना दोस्तों ये जो एरिया है ना अपना पैरेलल चैनल उसका ये जो है ना वो 50% है, और अगर ये ब्रेक और अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो ये रेजिस्टेंस पहले फेस करेगा, इसके ऊपर सक्सेसफुली 2 दिन क्लोज हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में बन जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर ही है ना चार्ट का ब्रेकआउट भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे ही स्टॉक 442 को क्रॉस करके 2 दिन क्लोज करेगा, एक बार गौर से सुनो दोस्तों, एक क्योंकि ना चार्ट अभी तक पैटर्न अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, ABC कन्फर्मेशन आ गया है, डाइवर्शन आ गया है, चार्ट पैटर्न सिमिलर बन रहा है और वहाँ शॉर्ट कवरिंग भी है। 442 के ऊपर 2 दिन क्लोज हो गया तो ऐसी ज़बरदस्त शॉर्ट कवर आएंगी जो स्टॉक को सीधा 40 पॉइंट अपसाइड लेके जाएंगी। 475-480 के पास स्टॉक को घट से डाल देंगी वहाँ पर। तो आप लोगों को सिर्फ नोटिस करना है कि यहाँ पर है ना, आप लोगों को ध्यान से नोटिस करना है कि स्टॉक अभी है ना वो लेवल के पास है, ये जो ब्रेकआउट है उसके आसपास ही है। तो ऑलरेडी 2 टाइम उसने रेजिस्टेंस फेस किया, अभी आपको नोट करना है कि ये 442 है, उसके नीचे ऊपर 2 दिन क्लोज हो जाए तो फिर सीधे टारगेट्स आपको जो मिलेंगे अपसाइड में वो आएगा 474 और 480। दोस्तों वो जो और यही वो एरिया है जो चैनल का पैरेलल चैनल का अपसाइड का एरिया है। तो दोस्तों ये चीज़ है याद रखना, और जैसे ये ब्रेकडाउन हुए तो उसके बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है, क्योंकि मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट किया नहीं है, जब ब्रेकआउट होगा तो ही कोई भी इंसान ब्रेकआउट कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकता है, यहाँ पर हुआ नहीं है वो केस में। लेकिन मोटा मोटी एक चीज़ याद रखना कि अगर और होशियारी मत करना, पहले से ब्रेकआउट के पहले लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है, हम इलेक्शन के पास जा रहे हैं, वॉलेटिलिटी हाई भी है और हो सकता है कि ये भी ब्रेकआउट ये भी चैनल का लो ब्रेक करके नीचे आ गई तो ये चैनल ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों एडवांस में जब सब भले महंगा मिले लेकिन रूल के हिसाब से ब्रेकआउट के ऊपर ही लेना है दोस्तों। और एक इसका पूरा और देखो दोस्तों, इसके समझो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ स्टॉक,
और उसके पहले ये ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक कर दी, तो पॉसिबल है ये लोअर एंड पे आएगा और लोअर एंड पे पॉसिबल है कि डाइवर्शन बिगड़ भी जावे, तो फिर वहाँ से कुछ नया चार्ट पैटर्न बनेगा तो हम देखेंगे, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही रेयर है क्योंकि ये स्टॉक ने अभी अपसाइड में ऊपर की साइड की स्विंग ले रहा है, उसका जो स्विंग है वो हायर हाई की तरफ मुड़ रहा है। तो बस आपका नज़र सिर्फ होना चाहिए दो चीज़ के ऊपर, ये 50% लाइन के ऊपर दो दिन क्लोज, और साथों साथ ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये थी एनालिसिस, अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स, थैंक यू।